વાપીની જ્ઞાનગંગા સ્કૂલમાં ઇન્ટર કેરમ સ્કૂલ સ્પર્ધાના કરાયેલા આયોજનમાં વાપી પંથકની 14 જેટલા શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. અન્ડર 14 અને 19 જેવા બે ગ્રુપોમાં કેરમ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 14 શાળાના વિદ્યાર્થી તેમજ વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધામાં વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામો આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. મેરા નામ મહેફુઝ આલમ હૈ. મેં ફેલોશિપ મિશન સ્કૂલ કા હું. મેં યહાં પે કેરમ ખેલને આયા હું. મેરા એક્સપિરિયન્સ, મેં દો બાર સ્ટેટ ખેલ ચુકા હું ઓર એક બાર નેશનલ. ઉસમે પિછલી વાર તો મેં ચોથી આયા થા. થોડા મેરા કેરમ મેં થોડા ખરાબ હો ગયા થા, ઇસીલિયે મેં ફોર્થ આ ગયા. મોર્નિંગ એવરીવન. Our Gyangunga School has been conducting this carom inter-school carom competition continuous for 5 years, and being a ex-head girl of this school, I am very glad to announce that every year our school are getting at least 3 to 4 new national players. I am also a national player, and I am very glad to announce you that I am very happy for being a student of this school. Thank you. Morning, myself Pallavi Vikas Sinha from Fellowship Mission School. I am very glad and honorable to come here for a inter-school carom tournament, which has been organized by Gyanganga School since last five years. I am very happy to participate, because participation is more important than the winning. Our school is continuously participating, and I think so our school is taking prizes also from here, from our school. Mohammed Mehfooz, one of my classmate and friend also, he's a national player, and our school always encourage other students also to take part or to involve themselves in other curriculum activities of this school. And I appreciate Gyanganga School for organizing inter school carom competition, for encouraging the students. Thank you. हमारा ज्ञान गंगा स्कूल ये 5th इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं, और इस बार हमारे स्कूल के अंदर वापी के अलग अलग 14 अलग अलग स्कूलों ने हिस्सा लिया है, और इसमें अंडर 14 और अंडर 19 ऐसे दो अलग अलग के अंदर भी गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग दो पार्ट्स में है. और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल जो लास्ट 5 साल से ये कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसमें बहुत सारी वापी की स्कूल पार्टिसिपेट होती है. हमारा जो एक कैरम कंपटीशन का जो आयोजन करने का मुख्य हेतु यही है कि गुजरात की बात करें तो हमारा गुजरात बहुत ही पीछे है ये कैरम के अंदर, और गुजरात गवर्नमेंट हमें बहुत सारा सपोर्ट करती है. आज भारत सरकार भी कैरम के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हमारे यही इच्छा है कि गुजरात भी कैरम के अंदर आ गया है. मोस्टली देखे जाएंगे तो ये कैरम के अंदर साउथ जो एरिया है, साउथ इंडिया है, वही आगे इसके अंदर विनर होते हैं. तो हमारे बच्चे में भी टैलेंट है, लेकिन उसको अगर बाहर निकालना है तो ऐसी हेल्थी कंपटीशन स्कूल और स्कूल के बीच में होनी चाहिए. तो सारे जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट करें उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. साथ में जो भी बाकी स्कूल है वापी की, या जो भी ये चैनल के माध्यम से वलसाड़ की जो भी स्कूल है, हमारे यहाँ एक जो स्टेट लेवल से या फिर नेशनल लेवल की जो कॉम्पिटिशन होती है, उसी तरह पूरी फैसिलिटी के साथ में यहाँ पर हम लोग आयोजन करते हैं. तो आपके बच्चे में जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, तो आगे से चल के आप भी हमको सहयोग करें, ऐसी हम आपसे एक प्रार्थना भी करते हैं. लेकिन आए और जो भी आए हुए स्कूल है उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. और आज जो हमने कंपटीशन रखा है उसके अंदर जो विनर होते हैं उसको हम लोग 1000 रुपीज़, जो फर्स्ट रनर अप है उसको 600, और जो सेकंड रनर अप है उसको हम लोग 500 रुपीज़ भी अनाउंस करते हैं. और उसके साथ में भी उनको हमारे स्कूल की तरफ से, जो भी स्कूल पार्टिसिपेट है उसको हम स्कूल की तरफ से एक मोमेंटो भी देंगे. तो फिर से एक बार ये सारे स्कूल को और जो भी बच्चे आए हैं उसको आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी, आप खूब आगे बढ़ो, ऐसी हम लोग एक प्रार्थना.